हाँ जी, आज गोल्डिंग बोला है जो कबूतर बुद्धि होते हैं वो रिपीट नहीं करते है? जो कबूतर बुद्धि होते हैं वो रिपीट नहीं करते, जो तोते होते हैं वो की आवाज मुख से बाहर नहीं निकलती, अंदर ही अंदर गुड़गुड़ा के रह जाते हैं। जो तोते होते हैं उनमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंठी वाले तोते होते हैं, वो यहाँ ह्यूमन तोतों की बात है, जो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होते हैं कि उनकी माला रूपी संगठन तैयार हो जाता है, जिन आत्माओं की सेवा करते हैं उनका संगठन तैयार हो जाता है। और बाबा भी सोचते हैं गुप्त आदि में बाबा ने बोला कि बाबा भी सोचते हैं, दोस्त सोचते हैं ब्रह्मा बाबा। हाँ, बाबा को अपने हाथ का बनाए। हाँ, सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच पूरी वहाँ कहाँ होती है? उनकी सोच तो तब पूरी हो जब साकार में बाप को पहचाना होता। उन्होंने तो साकार में आए हुए बाप को पहचाना ही नहीं, इसलिए सोचते हैं। संकल्प चला है ब्रह्मा का तो जरूर संकल्प पूरा होता है। सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं, फिर वो देव आत्माएं हैं जो फरिश्ता से देवता बनती हैं। ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ भोजन उसकी वासना लेते हैं। और सतयुग बाबा की भाषा सिंधी थी, हिंदी भाषा नहीं थी, इसलिए जो भाषा होती है उसी भाषा में बोलते हैं। वो शब्दों में और अक्षरों में अंतर नहीं, तोते का रटना व्यर्थ है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि तोते ने सिर्फ रट लिया और समझा नहीं तो व्यर्थ है। जो तोते सिर्फ रट लेते हैं, रट करके बोलते रहते हैं, वो कंठी वाले तोते नहीं होते हैं, उनकी माला नहीं बन सकती। कंठ माला उनकी बनती है जो समझदार भी होते हैं। लिखा है शिव बाबा, आइंस्टीन ने फार्मूला बनाया था, इसे दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला कहते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? पहले वो फार्मूला समझाओ। जो फार्मूला लिखा है E is equal to MC2, इसका अर्थ समझाओ। हद के फार्मूले का तो अर्थ समझाओ, फिर बेहद के फार्मूले का अर्थ बताएं। किसने दिया?
एनर्जी इज इक्वल टू मास, वेट, एनर्जी इज इक्वल टू वेट, वेट एंड एम सी लिखा है, ई इज इक्वल टू एम सी हाँ स्क्वायर, तो उसका अर्थ तो बताओ, नहीं मालूम तो पता करके पहले बताना फिर पूछना। लो और बाबा वो आठ क्वेश्चन ब्रह्मा कुमारी बताएंगे तो हम बताएंगे, बताएंगे गे शब्द हटा दो, बताएंगे उससे अहंकार साबित होता है, सिर्फ इतना ही काफी है, ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएं। हाँ बाबा सवाल है, अनेक मठपंतों के द्वारा गीता की 108 टीकाएं हो चुकी है, तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार गीता की टीका क्यों नहीं हो सकती? हाँ हो सकती है, तो इसमें बाबा ये संस्कृत की गीता की टीका करने जो लोग है उसकी टीका करना है कि कोई चैतन्य गीता की बात? चैतन्य गीता कौन सी है? चैतन्य गीता के श्लोक कौन से हैं? है चैतन्य गीता के एक श्लोक का नाम बताओ, जो जड़ गीता है भक्ति मार्ग की गीता है, सभी मठ पंथ वालों ने अपने अपने तरीके से उसके अर्थ कर दिए हैं, वो मठपंथ तो झूठा रास्ता दिखाते हैं, शिव बाबा तो सच्चा रास्ता बताते हैं ना, तो जो सच्चा रास्ता बताने वाला शिव बाबा है और शिव बाबा के बताए हुए रास्ते के अनुसार गीता की टीका क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है, यज्ञ के आदि में जब गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे तो सच्चा सुनाते थे या झूठा सुनाते थे? है? सच्ची बात सुनाते थे जो आदमी वो ही फिर अंत में प्रत्यक्ष होगा। क्या बाबा अल्पकाल का सुख लंबा दुख देकर जाता है? ठीक बात है, सही है, में भी जो अल्पकाल का सुख है, अल्पकाल का सुख जो है वो खींच के लिया जाता है, और जो दीर्घकाल का सुख है वो सहज राजयोग से मिलता है, खींच के नहीं मिलता है। जो खींच खींच के प्राप्ति होती है उससे रिजल्ट में दुख प्राप्त होता है। दो हजार चार में जो शूटिंग हुई उसमें निमित्त मात्र डायरेक्टर कौन था? है शिव बाबा। अरे शिव बाबा जिसे कहते हो उसका कोई रूप है या नहीं है? जब बाबा कहते हो तो साकार रूप है या नहीं है? नहीं है, कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, फिर उसके बाद प्रजा माता भी तो चाहिए ना, जो प्रजा माता महालक्ष्मी बन करके लक्ष्मी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी तो वो लक्ष्मी का तीसरा पार्ट भी तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिस लक्ष्मी के द्वारा प्रैक्टिकल शूटिंग होती है, प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन होता है, सिर्फ मन से समझने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल स्थापन करने की बात है। वो कार्यकाल शुरू होता है 2004 के बाद, Thank you.
वो भी 30 साल का है, ब्रह्मा द्वारा भी 30 साल कार्य चला, शंकर द्वारा भी 30 साल कार्य चला, ये 100 साल बांटे हुए हैं। रावण का दहन होने की प्रथा है, रावण को जलाते हैं, तो कंस और हिरण्यकश्यप के दहन की कथा क्यों नहीं है? जो रावण है वो ही कंस नहीं है क्या? जो रावण है वो हिरण्यकश्यप नहीं है क्या? अपने को भगवान कहने वाला रावण कहो, हिरण्यकश्यप कहो, कंस कहो, ये कब की कथा है? इस समय की यादगार है, संगम युग की ही तो बातें हैं। एक ही कथा को उन्होंने अलग अलग रूपों में शास्त्रों में दिखाई दिए। और बाबा चौथे प्रश्न में कहा गया, बाबा ने कहा जो सर्विस करते हैं उन्हें प्राइज मिलता है, जो सर्विस करते हैं उन्हें प्राइज मिलता है। क्या मिलता है? प्राइज, प्राइज, प्राइज मिलता है। हाँ बाबा, सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि मैं शांति स्थापन कर दो, सारी दुनिया में शांति स्थापन हो जाए, कोई भी आत्मा अशांत न रहे, सब शांत हो जाए, तो तुमको विश्व की बात सही की प्राइज मिल जाएगी। जैसे कहते हो ब्रह्मा कुमारियां बताएं, नहीं तो हम बताएं, ऐसे ही तुम नहीं लेओगे तो कोई दूसरा ले जाएगा। और मुझे बाबा ने बोला है एरोप्लेन जब गिरता है तो आसपास के चक्के रुक करते हैं, सब लूट के जाते हैं, सब लूट के ले जाते हैं आसपास वाले। इसका बेहद में क्या है? बेहद में भी दुनिया का विनाश होगा कि नहीं है? तो जो लूटने वाले हैं, जिंदा रहने वाले जिंदा रहेंगे या नहीं? वो लूटते रहेंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। और रामायण में बाबा विभीषण ने सत्य राम का साथ दिया तो कहते हैं कि गरगा बेदी लंका डाहे है, तो ये विभीषण ने सही किया था या गलत? विभीषण ने आत्माभिमानी होकर के काम किया या कुंभकर्ण की तरह देह अभिमानी होकर के काम किया? कुंभकर्ण ने अपने कुल की लाज रखी, तो कुल की कहानी रखना ये देह अभिमानी की बात है या आत्माभिमानी की बात है? है? अरे कुंभकर्ण ने राम का साथ नहीं दिया, किसका साथ दिया? रावण का साथ दिया, जबकि वो कहता था कि राम सच्चा है और मेरा भाई रावण झूठा है, फिर भी साथ किसका दिया? रावण का साथ दिया। तो कुल का कनेक्शन देह से होता है या आत्मा से होता है? देह से होता है, वो देहवान की तरफ गया इसलिए रावण को सहयोग दिया, और विभीषण
आत्मा अभिमानी था, उसने कुल की कहानी को नहीं देखा। कुल की लोक लाज में नहीं मरा, भगवान बाप का सहारा लिया और साथ दिया तो कौन ऊंचा हुआ है? विभीषण ही ऊंचा हुआ। उसने संगम युग में ही राजाई प्राप्त कर ली। भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति कर ली। तुम सब विभीषण हो, सारी दुनिया रावण संप्रदाय। उन रावण संप्रदाय में कोई विभीषण भी है, कोई कुंभकर्ण है, कोई रावण के रूप है, परंतु तुम्हारी कैटेगरी क्या है? तुम पहले ब्रह्मा कुमार थे या नहीं थे? फिर अपने कुल का नाम बाला किया या कुल खेल खलास कर देते हो? है कि ब्रह्मा कुमारों के कुल का खेल खलासा कर देते हो? ब्रह्मा कुमार माने अम्मा कुमार, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार माने अम्मा और बाप दोनों के कुमार। जो कहते हैं हम सिर्फ अम्मा कुमार हैं, बाप का नाम नहीं बताते। तो उनसे वैश्यालय की निर्माण होगा या शिवालय का निर्माण होगा? है वैश्यालय का निर्माण होगा, इसलिए तुम वैश्यालय को खलास कर देते हो। वैश्यालय की दुनिया छोड़ देते हो, जैसे विभीषण ने रावण संप्रदाय को लात मार दी। विभीषण का अर्थ क्या है? वी माने विशेष, भीषण माने भयंकर, बाहर का आदमी ज्यादा भयंकर होता है या अंदर का दुश्मन ज्यादा भयंकर होता है? तो ब्रह्मा कुमारियों के लिए बाहर की दुनिया वाले, बाहर की दुनिया मठ पंथ संप्रदाय वाले ज्यादा भयंकर साबित हुए, या जो ब्रह्मा कुमार कुमारी निकलते हैं अंदर से वो ज्यादा भयंकर साबित होते हैं? है जो अंदर से निकले हैं विभीषण, और ब्रह्मा कुमारों के लिए बहुत खतरनाक है। तीसरे नेत्र के आधार पर उनका नाम ही त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो शंकर के द्वारा जो भर दे झोली ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, उन ज्ञान रत्नों के आधार पर ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। तीसरे नेत्र वाले ने ही त्रिनेत्री बनाया है। मुलहरा का मतलब कोई भी चीज कठोर चीज मुख में डाल लो तो बोल बोल करना बंद हो जाएगा, बहिर्मुखी होना बंद कर देंगे,
तो ऐसे ही ये बाबा की याद का मोलहरा मुंह में डाले रहो, बाबा की याद बनी रहेगी तो बैरमुखी नहीं बनेंगे, माया का असर नहीं होगा। हम ज्ञानी भाई बहनों माताओं को जितनी बार दिन भर में मिलें उतनी बार आपस में ओम शांति कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अगर शांत स्वरूप आत्मा में टिके हुए हैं तो शांत स्वरूप आत्मा एक दूसरे को देखेगी, देखने मात्र से ही शांति का अनुभव करेगी। तो अनुभव करना जरूरी है या मुख से बोलना जरूरी है? है अनुभव करना जरूरी है। एक की आत्मिक स्टेज है, एक की अव्यक्त स्टेज देखने में आए तो दूसरा भी अव्यक्त स्टेज में टिकने का प्रयास करे, यह है सच्ची ओम शांति। बाकी जब तक ऐसी निस्टेज नहीं बनी है तो मुख से ही बोल बोल करते रहो। और कब बनेंगे? जब दूसरों को पत्थर देना बंद करेंगे, रतन देना ही चालू करेंगे तो हम पार्श्व बुद्धि बन जाएंगे। अभी ज्ञान सुनाते समय या लौकिक व्यवहार में आते समय दूसरों को दुख देते हैं कि नहीं देते हैं पत्थर मार के? हैं? जब तक दुख देते हैं तब तक पार्श्व बुद्धि नहीं बनेगी। और संगम युग में बाबा, संगम युग में ज्ञान में आने के बाद गरीबी का जीवन है, गरीबी वाला जीवन है, कुमार कुमारी वाला जीवन है, विधवा वाला जीवन वरदान है या अभिशाप? इसको वरदान कहेंगे अभिशाप? कुमारियों वाला जीवन अभिशाप नहीं है, कुमारियां सबसे जास्ती गरीब होती है आज की दुनिया में, परंतु उनका जीवन अभिशाप नहीं है क्योंकि कुमारी जीवन है, पवित्र जीवन है, उसको अभिशाप नहीं कह सकते। बाकी सब नंबरवार हैं। और हाँ हाँ, इसका अर्थ यही हुआ कि जो भारतवासी देवताएं हैं 33 करोड़ हैं, जो ज्ञान रत्नों में रमण करने में रत रहते हैं, जैसे भारत ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, ऐसे ही भारत में रहने वाले जो भी भारतवासी हैं वो ज्ञान में रमण करने में अपने को अच्छा समझते हैं। ऐसे जो भारतवासी हैं वो लंबी आयु वाले होते हैं, उनकी आत्मा की आयु जैसे कि लंबी हो गई। जो दूसरे धर्म वाले हैं कम आयु वाले हैं। तो पहले पतित कौन बनेंगे? लंबी आयु वाले पतित बनेंगे या छोटी आयु वाले पतित बनेंगे? जो लंबी आयु वाले पहले पतित बन जाते हैं उनमें ऊपर से आने वाली छोटी आयु वाली आत्माएं जो कम जन्म लेती हैं वो प्रवेश करती है। यही बात बताई है कि 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में, माने प्रत्येक में
क्राइस्ट आदि धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते रहते हैं, दूसरों में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रवेश करने का काम पावरफुल आत्मा का है या कमजोर आत्मा का है? पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती हैं। यकीन का फकीर बनने वाली बात है कि जो यज्ञ में जो श्रीमत मिलती है, श्रीमत की लकीर का फकीर बनना चाहिए कि अपनी बुद्धि चलाना चाहिए? श्रीमत की लीका, अगर श्रीमत की ही लीका है उसमें और मत की लीक नहीं मिक्स की गई है तो वो सच्चाई की लीका है या झूठा है? जैसे सच्ची गीता है जो भगवान आकर के सुनाते हैं, वो सच्ची गीता बाद में कृष्ण का नाम डाल दिया गया तो उसमें दूसरी मत मिक्स हो गई या नहीं हो गई? है, मिक्स हुई या नहीं हुई? मिक्स हो गई। जब दूसरी मत की लीका मिक्स हो जाती है तो उसमें सच्चाई नहीं रहती है। जैसे गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया तो सच्चाई का लोप हो गया, ऐसे ही श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं या मनुष्य मत मिक्स कर देते हैं तो सच्चाई खत्म हो जाती है। द्वापर के आदि में गीता लिखी गई, द्वापर के आदि में शास्त्र सच्चे थे या झूठे थे? है, हर चीज दुनिया की पहले सच्ची होती है, तो शास्त्र भी द्वापर के आदि में, गीता शास्त्र सच्चा शास्त्र था, बाद में उसमें कृष्ण का नाम ऐड कर दिया तो श्रीमत की लीका में मिक्सरिटी हुई या नहीं हुई? वो लकीर पर नहीं चलना चाहिए। अगर सच्ची लकीर है तो पत्थर की लकीर हो जाती है, उसे कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, वो ब्रह्म वाक्य है, उसे पलटा नहीं जा सकता। शास्त्रों को तो पलटा गया है, भगवान आते हैं तो सब शास्त्रों को झूठा साबित कर देते, सब ने अपने अपने अर्थ बैठ बनाए हैं, गीता की लीका को झूठा कर दिया। तो देखना है कि बाप जो सुनाते हैं उसमें कहीं मिक्सरिटी तो नहीं हुई है। इसलिए बोला है ब्रह्मा कुमारियों की भी जो मत मिलती है उसे भी जज करना है कि वो राइट है या रांग है, उसमें मन मत है या मनुष्य मत की लीक ऐड की गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है, बाबा की ही बात है, बाबा की मुरली से टैली होती है, तो ब्रह्मा कुमारी की मत क्यों नहीं माननी है? हाँ बाबा, हम जब योग में बैठते हैं तो मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है, तो कुछ आवाज का आवाज होता है जैसे कि तेज हवा चलना है और दोपहरी में कीड़ा चिल्लाता है उस टाइप का, तो बाबा ये आवाज कहाँ से आती है? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनकी मिसाल रुद्राक्ष से दी जाती है। रुद्राक्ष के जो भी मणके होते हैं
कोई में एक मुख, कोई में दो मुख, कोई में चार मुख, कोई में आठ दस मुख भी, अनेक मुख वाले भी होते हैं। एक मन का ऐसा है जो एक मुख वाला होता है, वो मिलता ही नहीं, बिरला मिलता है बहुत मुश्किल से। तो एक मुख वाला तो हो गया जिसमें शिव बाबा ही प्रवेश करते हैं, बाप दादा के अलावा कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकते। बाकी जो मणके हैं उनमें टाइम टू टाइम कोई न कोई आत्माएं प्रवेश करती रहती हैं। और याद की यात्रा को विघ्न डाल लेती हैं। इसलिए उन विघ्न डालने वाली आत्माओं पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। कोई को आवाज आने लगती है, कोई का माथा ही भारी हो जाता है, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। वो विघ्न डालने वाली आत्माएं दूसरे प्रकार की हैं, और धर्मों की हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। और यदि कोई भूखा है उसको रोटी दी जाए, और यदि किसी का धन नहीं है उसको धन दिया जाए, ये दो सेवाएं। और एक सेवा ये होगी कि यदि किसी को बाप के पास ले जाया जाए, तो तीनों में से होगा सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? बाप के पास ले जाने से वो समझेगा बाप है। संदेश देना, भट्टी करवाना। हाँ, संदेश दिया वो तो ठीक है, लेकिन संदेश वो लेने वाला लेने के लिए तैयार है तो संदेश देना भी ठीक है। हम जानते हैं वो तो बिल्कुल नास्तिक है, उसको हम ये बातें सुनाएंगे तो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो देना भी बेकार है। स्थूल धन देने की बात है, वो भी हम किसी को देंगे और वो जाके शराब पी लेता है तो भी हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। रही भोजन की बात, तो भूखे आदमी को भोजन करा देना उसमें कोई पाप नहीं है। भूखा आदमी जिंदा रहेगा तो हो सकता है आगे चल के ज्ञान भी ले ले, जिंदा ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहां से लेगा। इसलिए भोजन पर सबका अधिकार है। हमारे पास अगर ज्यादा है तो क्यों ना भूखे को खिला दें। अगर स्वयं की आत्मा की डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और किसी सोल के प्रवेश होने के बाद डिस्टर्बेंस होने लगे, इसमें अंतर कैसे है? स्वयं की आत्मा भी तमो प्रधान है और प्रवेश करने वाली आत्माएं भी तमो प्रधान है, चाहे वो ब्रह्मा की ही आत्मा क्यों न हो। तमो प्रधान आत्माएं सर्विस कर सकती हैं या डिससर्विस ही करेंगी, क्या करेंगी है? डिससर्विस ही करेंगी। ये तो बाप दादा की याद है, बाप की याद से बाप आकर हमारा सहयोगी बन जाता है। बाप की याद है तो बाप हमारे साथ है, और बाप हमारे साथ है तो सर्विस ही सर्विस होगी। बाप की याद नहीं है तो हम जिस सर्विस ही करेंगे। अब वो चाहे प्रवेश करने वाली आत्मा हो या हमारी खुद की आत्मा हो। ये निर्णय लेने में कठिनाई होती है, काहे के लिए निर्णय लेना है? अरे चाहे हमारी आत्मा हो चाहे प्रवेश करने वाली आत्मा हो,
दोनों ही तमो प्रधान है या कोई सतो प्रधान है? है तो निर्णय क्यों करें? ये जानने की भी क्या जरूरत है किस आत्मा ने प्रवेश किया? ऐसे ही कृष्ण धर्म में बोला जाता है कि जब भी कोई दुख आता है या कोई दुखी होता है बीमार होता है जो दुख होता है वो ज्ञान के अनुसार समझना चाहिए कि दुख हमारे कर्मों का फल है या कोई आत्मा ने प्रवेश किया वो हमको दुख दे रहा है? क्या समझना अच्छा है? हमारे किए हुए कर्मों का फल है। कोई प्रवेश करके ना हमको दुख दे सकता है और ना सुख दे सकता है। हमारी आत्मा खुद ही अपना शत्रु अपना मित्र है। अंतर जोर निरंतर वाणी का क्या मतलब है? अंतर जोर निरंतर वाणी। अंतर ज्योत निरंतर वाणी है। अंतर की ज्योति जगेगी तो निरंतर जो वाणी चलेगी वो ईश्वरीय वाणी ही चलेगी। अंतर की ज्योति बुझी हुई होगी अर्थात बाप की याद नहीं होगी, देह अभिमानी में होंगे तो अज्ञान ही अज्ञान सुनावेंगे। हद की दुनिया में माता पिता बड़ा भाई बड़ी बहन इनके चरण छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? ज्ञान में आने के बाद अंधश्रद्धा वाले काम करने चाहिए या समझ पूर्वक काम करना चाहिए? तो पांव छूना नाक छूना कान छूना इसमें कोई समझ रखी है क्या? ये तो बेसमझी की बातें हो गई। आगे से पांव छू लिया, जिसका पांव छुआ वो आगे बढ़ गया, पीछे से गाली दे हंस साले नहीं तो। तो पांव छूने का मतलब क्या हुआ? इसलिए वो काम करना चाहिए जिसमें बुद्धि का तर्क काम करता हो। समझ पूर्वक कर्म करना वो ही ज्ञान है, बेसमझी से काम करना वो अज्ञान है। बाकी घर परिवार में हम अधीन है, परिवार वालों के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हमको घर से निकाल देंगे, परेशान करेंगे, दाना पानी नहीं देंगे या हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा ही हमको नहीं देंगे। तो युक्ति से चलना अच्छा है। दिखाने के लिए हाथ पांव छू लिया, अंदर से शिव बाबा को याद किया, कोई हर्जा हो जाएगा? जब देखो कि हमारी नौकरी लग गई धंधा लग गया तभी ठेंगा दिखा दो, क्या कर लेंगे? समझाने की कोशिश करो, समझ जाते हैं तो ठीक। ये चरण जो हैं, वो बुद्ध रूपी पांव की यादगार हैं। जैसे बुद्धि से कहीं पहुंचा जाता है वैसे चरणों से भी कहीं पहुंचा जाता है। कहते ना तुम्हारे पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेंगे, तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। ये पांव स्पर्श करने से कुछ नहीं होता है। जहां तक गुरु की बुद्ध रूपी पांव पहुंचा हुआ है वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचनी चाहिए, उसे कहते हैं चरण स्पर्श करना। बाबा ईसा से 2500 साल पहले रोमन सभ्यता थी,
और बोले जितने लोग रहते थे उन पे मोहनजोदड़ो का नाम आता है। ईसा से 2000 साल पहले हाँ रोमन सभ्यता थी। ईसा को 2000 साल हुए और 2000 से भी 2500 साल पहले भारत ही खंड था कि दुनिया में कोई दूसरा खंड था है? फिर इतिहास में पता चले वो इतिहास मनुष्यों ने लिखा है या भगवान ने लिखा है? फिर मनुष्य तो अव्वल नंबर के झूठे होते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार काम करते हैं। जितने भी मनुष्य हैं सबको अपना अपना रथ है, सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ के अनुसार उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए उन्होंने भारतवासियों को नीचा दिखाई दिया, अपनी सभ्यता को ऊंचा करके दिखाई दिए। लक्ष्मी का क्या दिखाते हैं? है बाँव का अर्थ क्या है? बाँह का क्या अर्थ है? है बाह माने भुजा, जो भुजाएं हैं वो अधूरी हैं और नारायण की भुजाएं पूरी हैं। माना जो अधूरी भुजाएं हैं वो पूरा सहयोग दे सकेंगी या अधूरा सहयोग दे सकेंगी? अधूरा ही सहयोग देती है। जो नारायणी है लक्ष्मी है वो ज्ञान का भी सहयोगी लेती है, सहयोग लेती है और देती है, या सिर्फ पवित्रता का ही सहयोग लेती देती है, प्योरिटी का सहयोग लेती देती है? उसके साथी भी ऐसे ही होते हैं, उनमें ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। और बाबा ने बोला अरे बच्चे को भी बोलने दो। बाबा ने बोला ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो सन्मुख है उनको जन्म जन्मांतर का पाप है, उनको जन्म जन्मांतर का पाप। हाँ, और जो सन्मुख नहीं होते उनको जन्म जन्मांतर का पाप नहीं होता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर दोबारा पढ़ लेना, तुमने कुछ गलती की है पढ़ने में। चाहे सन्मुख हो और चाहे विमुख हो, दोनों में से कैसी भी आत्मा हो, जन्म जन्मांतर के पाप तो सभी के हैं। हाँ ये जरूर है कि सन्मुख मेरे जो आता है वो प्राप्ति ज्यादा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो सकते हैं। जो आत्माएं मेरे सन्मुख नहीं पहुंच पाती उनको सन्मुख ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, थ्रू दूसरों के द्वारा प्राप्त होता है। तो दूसरों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा उसमें मिक्सचरिटी होगी या नहीं होगी? है मिक्सचरिटी हो जाएगी। जो मिक्स हुआ ज्ञान है वो डबल लकीर हो जाती है, श्रीमत की लीका के ऊपर दूसरी लीका खिंच जाती है, इसलिए जन्म जन्मांतर के पाप उनके भस्म नहीं होते हैं। और जो मेरे सन्मुख हो जाते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं।
चाहे वो याद से भस्म हो, चाहे वो रोग से भस्म हो, और चाहे वो धर्मराज की सजाओं से भस्म हो, इसी जन्म में सारे पाप भस्म हो जाएंगे जो मेरे सन्मुख हो जाते हैं। दूसरे के शरीर में प्रवेश कर तुम्हें भी ब्रह्मा की तरफ कर्तव्य करना, तुम्हारे लिए कहा बाबा। हाँ बाबा, मुरली के अंत में बोलते हैं, ये मुरली है 1668 की, इसमें बाबा ने बोला है रूहानी बाप रूहानी बच्चे, बाबा मुरली के आरंभ अंत में क्यों कहते हैं है? मुरली है 1668 की, अरे कोई भी तारीख की हो। हाँ रूहानी बाप रूहानी बच्चे, बाबा मुरली के आरंभ और अंत में क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आदि और मध्य और अंत तुम्हें रूह रूह याद रहे, देवानवे होकर के मुरली न सुने, कौन सी स्टेज में बैठ करके मुरली सुने, देही अभिमानी बन करके मुरली सुने, आत्मा अभिमानी बन करके सुने, देवान में रह करके मुरली सुनेंगे तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। और बाबा कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा का समय वेस्ट करते रहते हैं, कुछ भी पूछते रहते हैं, उत्तर भी पता नहीं है, कुछ भी पूछते रहते तो क्या हुआ? हाँ तो बाबा थक जाते हैं क्या? बाबा का समय वेस्ट कर, तुम भी तो समय वेस्ट कर रहे हो। और नीचे माने जन्म है, नीचे माने जन्म है, मृत्यु जिनको नित्य नित्य की चक्र में आत्मा चलती रहती है, नित्य नित्य की चक्र में जैसे ब्रह्मा की आत्मा भी घड़ी घड़ी आती रहती है और बाकी आत्माएं भी आती ही रहती है, तो अनिश्चय रूपी बहुत कौन सी है कैसे, जैसे कि हमने ये पता लगा कि अभी ये अनिश्चय के कारण हमें वहाँ बड़ा ड्रामा में मृत्यु हो जाए, क्या मैंने यहाँ पे ऐसा कौन सा जो अनिश्चय हुआ जिसके कारण राज ड्रामा में जो जन्म में हमारी मृत्यु हो जाएगी? अनिश्चय हो गया, बाप को भूल गए माने मृत्यु हो गई, बाप के बच्चे नहीं रहे दूसरे बाप के बच्चे बन गए, बाप का ज्ञान सुन रहे हैं, सुनते सुनते कोई बात पर संशय आ गया और दूसरे ने हमको जो बात सुनाई वो अच्छी लग गई, बाप को छोड़ दिया और दूसरे की बातें सुनना शुरू कर दिया, तो दूसरे बाप को बाप बना लिया कि नहीं, मर गया। जन्म तो चौरासी होंगे। हाँ सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय का चक्र ब्रह्मा को चलता है, अब कोई भी नंबर का ब्रह्मा हो प्रजापिता ब्रह्मा को छोड़ करके, ऐसे बाकी सभी ब्रह्मा हैं, सबकी आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ बजाने वाली है, लेकिन नंबरवार हैं या अब्बल नंबर हैं? नंबरवार हैं, तो नंबरवार अनिश्चय निश्चय पैदा होता है, एक जैसा निश्चय निश्चय सबको नहीं हो सकता, जो और धर्मों में जाने वाले हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या कम बुद्धिमान होते हैं? है नहीं, जो विदेशी हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या कम बुद्धिमान होते हैं? विदेशी, अरे विदेशी बाप को पहचानने में आगे जाते हैं या पीछे रह जाते हैं? तो ज्यादा बुद्धिमान हुए ना, विदेशियों को अनिश्चय कम आता है और जो स्वदेशी हैं उनको अनिश्चय जास्ती आता है। तो वो सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। और 84 वाली अनिश्चय बहुत बड़ा अनिश्चय आता है,
जितनी बार भी अनिश्चय आता है उसमें टोटल अनिश्चय होता है कि नहीं, कि एक जैसा होता है? अभी संशय पैदा हुआ, संशय पैदा होने के तुरंत बाद अनिश्चय आ जाता है या टाइम लगता है? टाइम लगता है। जब दूसरी तरफ विश्वास बैठ गया, दूसरी तरफ निश्चय बैठ गया, फिर इसको छोड़ दिया, लात मार दी। जैसे बाबा कहते हैं उन गुरुओं को मारो गोली, तो वैसे ही उन गुरुओं की जगह बाप को मार दी गोली, अनिश्चय बैठ गया, दूसरा बाप बना लिया, दूसरे बाप के घर में जन्म ले लिया। और ज्ञान में चलते चलते भी आत्माएं घूमने करती रहती है, ज्ञान में चलते चलते भी आत्माएं घूमने करती रहती है। हाँ, और एक भूल ऐसी होती है जो बाप को छोड़ करके ही चले जाते हैं या अंत। हाँ, तो पूरे ही हो गए, वो ही मर गए। हाँ, अनिश्चय का क्या परिणाम निकलता है? ये जो अनिश्चय का कैसे चलता है ज्ञान में रहते हुए? चलता नहीं है क्या? हाँ, तो इसका क्या रिजल्ट मतलब क्या है? राजनामा में इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है? वो दुनिया में जीते जी कोई मरते नहीं रहते हैं, जिंदा हैं फिर भी मरे हुए की तरह चलते हैं। जिंदगी में फैसला ही नहीं करना कर पाते कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है, मुर्दा हो करके चल रहे हैं। चार सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है याद, तो दूसरे नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? है याद है पहला नंबर, तो दूसरे नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? है अरे दूसरे नंबर का है ज्ञान। ज्ञान होगा, जानकारी होगी, तो ही तो बाप को याद करेंगे। अगर जानकारी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो बाप को याद कैसे करेंगे? भोजन खाना ही जरूरी है कि पानी पीना भी जरूरी है? है पानी पीना ज्यादा जरूरी है? भोजन छोड़ दें है? दोनों जरूरी है। ज्यादा जरूरी कौन सा है? भोजन खाना ज्यादा जरूरी है या पानी पीना ज्यादा जरूरी है? भोजन ज्यादा जरूरी है, इसलिए बाबा कहते हैं जो माताएं याद में रहेंगी ज्ञान भले उनमें जास्ती नहीं है तो भी अंत में उनमें ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें कुछ न कुछ पानी का अंश होता है या नहीं होता है? होता है। त्रिमूर्ति का ऐसे चित्र निकालने की बात आती है। यज्ञ के आदि चित्र बनाया गया तो बाबा ने संदेश द्वारा वो चित्र बनवाया। तो अभी एक्यूरेट चित्र निकालने की बात आती है। हाँ, वो था साक्षात्कार के आधार पर बनाया हुआ चित्र, और अभी जो चित्र बन रहे हैं वो बुद्धियोग के द्वारा बनेंगे या साक्षात्कार के आधार पर बनेंगे? तो ज्यादा सच्चे कौन से होंगे? बुद्धियोग से ज्यादा सच्चे होंगे। तो ये बनवाया तो बाबा ने ही था। बाबा ने बनवाया, लेकिन टाइम कौन सा था? उस समय सारा ज्ञान का राज खुला हुआ था या भक्तों के लिए ज्ञान दिया जा रहा था? भक्त आत्माओं को ज्ञान दिया जा रहा था, साक्षात्कार करने वाली आत्माओं की बहुत आयत थी। उस समय ज्ञानी तो आत्मा यज्ञ में नहीं थी। ज्ञान परिपक्व स्टेज में था ही नहीं।
बाबा के द्वारा बनाया हुआ चित्र को भी रॉन्ग कह देते हैं ना, है बाबा के द्वारा ही बनाया, बाबा ने नहीं बनाया। तुम जिसको बाबा कहते हो वो बाबा मम्मा नहीं है, वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। अरे बनाने का निमित्त कौन था, चेकिंग करने वाला कौन था? फिर जो चेकिंग करने वाला था वो संपूर्ण ज्ञानी है या अज्ञानी है? वो ने बाप को ही नहीं पहचाना। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र रख दिया है, चेहरे को ध्यान से देखो, जो ब्रह्मा का चेहरा सो विष्णु का चेहरा सो शंकर का चेहरा, तीनों का चेहरा एक ही। तो भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, तो रंग हो गया ना। जिसने बाप कोई नहीं पहचाना वो त्रिमूर्ति का चित्र असली कैसे बनावेगा? इसलिए बोला तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। क्या बाबा, शिव बाबा सबको बेट समझाते हैं, न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। ये त्रिमूर्ति में एक्यूरेट चित्र निकालने के बाद की बात है। हाँ जी, बाबा ये ब्रह्मा के स्थान पर जगदम्बा को रखना चाहिए, विष्णु के स्थान पर वैष्णव जी को और शंकर के स्थान पर प्रजापिता को, है जो एक्यूरेट चित्र निकलेगा बुद्धियों के द्वारा। क्या तो जो अभी प्रत्यक्ष है तीन मूर्तियाँ, हाँ उनको रखा जाएगा ना मंगलवार, हाँ तो अभी जो ब्रह्मा को बिठाया गया है, हाँ उसके स्थान पर जो आदि ब्रह्मा है जगदम्बा, हाँ ब्रह्मा की जगह पर, ब्रह्मा की जगह पर जगदम्बा को बिठाया जाए, हाँ और विष्णु के स्थान पर जो वैष्णवी है, हाँ और यहाँ शंकर बैठा हुआ है, हाँ वहाँ तो प्रजापिता को वो तो है ही, उनका प्रजापिता अलग अलग है क्या? एक ही है, हाँ। वर्तमान में तीन कौन है जो विश्व विजय करके दिखलावे? सब हो वे प्रणपूर्ण हमारा, उन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई। हाँ तो वो खत्म हो गए या अभी मौजूद हैं? तुम मूर्ति किसकी दिखावेंगे, कपड़ा किसका दिखावेंगे, शरीर रूपी वस्त्र किसका दिखावेंगे? आदि वालों का दिखावेंगे या वर्तमान वालों का दिखावेंगे? तो फिर ब्रह्मा कुमारी की मत भी मुरली से जज करना है ऐसे बोला है, परंतु मनुष्य तो सब विकारी हैं, तो विकारी बुद्धि वाले मनुष्य जज कैसे करेंगे? ये बाबा ने कब कहा कि मनुष्य बनकर के जज करना है? मनन चिंतन मंथन करने वाला फरिश्ता बन के जज नहीं कर सकते है? फरिश्तों में और मनुष्यों में अंतर है या नहीं है? है, मनुष्य होते हैं रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने वाले, रिश्तों में बुद्धि हिलगाने वाले, और फरिश्तों का कोई रिश्ता नहीं होता देहधारियों से। तो ऐसे फरिश्ता बनकर के जजमेंट करो, बाबा ने कब कहा मनुष्य बनकर जजमेंट करो? परस्पर जजमेंट के लिए
कोई भी बात का जजमेंट निकालना होता है, निर्णय लेना होता है, तो अगर हमें पूरी मूल्यों का ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो उसका निर्णय नहीं ले पाने वाले। ये तो देखा जाता है अक्सर कि अगर एडवांस में जहाँ पर आपस में मतभेद ज्यादा देखने में आ जाते हैं, कोई बात का निर्णय लेना है, तो कोई कहते हैं कि भाई निर्णय नहीं ले पाते, लकी तो फकीर हुआ, ऐसा बोल देते हैं। सही निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि बाबा किसी मूली में कोई बात एक बोली हुई है, फिर दूसरी मूली में उस बात का निराकरण पूरा किया गया है। तो पूरा पूरी मूलियों का ज्ञान होना जरूरी है ना बाबा किसी बात का निर्णय लेने के लिए। ऐसे भी होता है, एक मुरली में एक बात बोली गई, दूसरी मुरली में दूसरी बात बोली गई। हाँ, अलग अलग नहीं, लेकिन क्लियरिफिकेशन किसी में एक ही बात का दिया हुआ, फिर उसी बात का दूसरी मुरली में भी दिया गया, वो तो कभी ऐसा होता है कि यहाँ समझ में नहीं आता, थोड़ा सा दिया है वहाँ पर, फिर विस्तार से बताया जाता है। हाँ हाँ, पूरा बात का पूरा तंत्र बुद्धि में तो बैठना चाहिए, कभी तो निर्णय नहीं। हाँ, जब बाप की याद में होंगे तो बाप तुम्हारे साथ होगा या दूर होगा? हैं? याद में होंगे तो साथ होगा ना, तो निर्णय सही मिलेगा या गलत मिलेगा? ब्रह्मा की सोल गुलजार आदि में प्रवेश करती है, तो जो भी बातें बोलती है वो शिव की याद में रह करके बोलती है या मनमत पर बोलती है? याद में रहने से जो भी वाक्य निकलेंगे वो सच्चे निकलेंगे। इसलिए एक भी महावाक्य अव्यक्तवाणी का मुरली के महावाक्यों को काटता नहीं है, नहीं तो दो मनुष्यों की बातें एक दूसरे को काटने वाली जरूर बन जाती है। एक मनुष्य की हर बात दूसरे मनुष्य की हर बात से मिलती जुलती नहीं होगी, कुछ न कुछ अंतर पड़ जाता है। लेकिन अव्यक्त वाणी में और मुरली में ये खासियत है कि कोई भी महावाक्य ऐसा अव्यक्तवाणी का नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो। और बाबा टाइम हो गया है।